सतना जिले के संकुल केंद्र नकेला की शासकीय प्राथमिक शाला की छत गिर जाने से बच्चों को गंभीर चोटें आई है, जिसमें प्रियांशु वर्मा, जिसकी उम्र महज 7 वर्ष है, वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। साथ ही राम निहोर मवासी, देवेंद्र मवासी, इनको भी काफ़ी चोटें आई है, जिसको तत्कालिक उपचार के लिए मतहैन ले जाया गया, लेकिन इनका रेफर वहां से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझगावा कर दिया गया, जहां पर इनका प्राथमिक उपचार हुआ और उसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया। इसमें प्रशासन की भारी लापरवाही सामने आ रही है। इस तरह की जर्जर और पुरानी भवनों की मरम्मत क्यों नहीं कराई गई, जबकि स्कूल प्रबंधनों के पास मेंटेनेंस के नाम से साल में हजारों रुपये आते हैं, जो इन रुपयों का क्या होता है। जब इन भवनों का निर्माण होता है तो चंद रुपयों की लालच में शासन के नुमाइंदे द्वारा गुणवत्ता विहीन भवनों को ही क्लीन चिट दे दी जाती है, जिसके चलते ही इस तरह की अप्रिय घटना होती है। ऐसे में इस मामले को संज्ञान में लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ शासन प्रशासन को कार्यवाही करना चाहिए। सतना से पंकज कुशवाहा की रिपोर्ट। वो तो वहाँ का प्रधान अध्यापक समक्ष करके गौतम जी हैं, वो बता रहे हैं। हम लोग बैठे थे, बच्चे क्लास में बैठे थे, एकाएक अचानक उसकी सेलिंग की जो है वो छपाई गिर आई। हम लोग दौड़ कर बच्चों को उठाए हैं, इसके बाद तुरंत माताइन हॉस्पिटल ले गए हैं। वहाँ से फिर इसके बाद गाड़ी 108 को लगाए, फोन नहीं आ पाई गाड़ी, तो मैं लेकर इसको यहाँ चला आया। अब सर अब यहाँ से जाने के बाद देंगे, प्रधान अध्यापक हमारा दे दिया होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम मवासी है, प्रधान अध्यापक रमन शंकर गौतम। आज का नाम प्रांशु है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता था मात्र प्रसादी स्कूल में, और ये बता रहे हैं, मैं तो मौके में नहीं था, लेकिन बताया कि अचानक सेलिंग की छपाई गिर गई, उसकी वजह से मेरा बच्चा घायल हो गया। मैं खरिहान छोड़ रहा था, वहाँ मुझे पता मिला। इसके बाद जब मैं गया तो वहाँ मातैन स्कूल में शासकीय अस्पताल है, वहाँ इसका मलहम पट्टी करवा दिया था। इसके बाद जब मैं आया तो फिर मुझे रमन शंकर गौतम प्रचार हैं स्कूल के, उन्होंने भेजा कि इसको माता मझगवा लेके जाओ, तो वहाँ इसका इलाज करवा दो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सर कमल कुमार वर्मा। ग्राम पंचायत महताइन के कई महा प्राथमिक विद्यालय में छत का छज्जा गिरने से 3 बच्चे घायल हुए हैं, जिसमें प्रांशु, राम निहोर और धीरेंद्र नाम के बच्चों को चोटें आई हैं, जिसमें प्रांशु वर्मा नाम के बालक को काफ़ी गंभीर चोटें आई हुई हैं, जिसका प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझगवा में किया जा रहा है और बालक अभी खतरे से बाहर है। इस तरह की घटनाएं जो, इसमें पूर्ण रूप से विद्यालय के शिक्षक दोषी हैं, क्योंकि जब बच्चे विद्यालय में थे तो बच्चों की देखरेख की व्यवस्था शिक्षकों को ही करनी चाहिए, और अगर ऐसी घटना हुई है तो इसका प्रशासनिक अमला पूरी तरह से जिम्मेदार है और विद्यालय के शिक्षक जिम्मेदार हैं, और इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।